हम तो भाजपा के लोगों से कहते हैं, मोदी जी को हम चैलेंज करते हैं, मोदी जी का गारंटी बड़ा मजबूत वाला गारंटी ना है। क्या बोल, टीविया में एड्स देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? हमने विधानसभा में बोला, जितना भाजपा वाला सब था सब चुप हो गया, सब शांत बैठ गया, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई गारंटी ले ही नहीं रहा। आई लोग एक गो नहीं दू गो डिप्टी सीएम, भाजपा का एक गो नहीं दू गो, वो दोनों डिप्टी सीएम एक दूसरे का मुंह देख रहा है कि तू कहो गारंटी लो, तू कहो गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं ले रहा। तो अब तो चलिए, हमारी तो लड़ाई असली भाजपा से ना है, हमारी लड़ाई किससे है? अब नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए हैं, रिटायरमेंट का समय आ गया है, अब क्या उनसे लड़ा जाएगा? छोड़िए उनको, लड़ाई असल भाजपा से है। देखिए सीतामढ़ी हम आए थे, जानकी महोत्सव में आए थे कि नहीं आए थे? पर्यटन विभाग मेरे पास था, पर्यटन विभाग हमारे पास था। हमारे कलम से अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फाइल दिखा देंगे। सीता जी का मंदिर का नया निर्माण, पुनः निर्माण लगभग जो है 72 करोड़ का हम करा रहे हैं, काम शुरू है। बीच में मुख्यमंत्री जी आए थे मुआयना करने, पुनर्मा धाम जो बन रहा है मेरे कलम से हुआ, हमको उसमें आना था लेकिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, वो काम किए सीतामढ़ी के लिए। और हम लोगों ने क्या क्या किया सीतामढ़ी में, शहर में जल जमाव ना लगे इसके लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नगर आवास विभाग भी मेरे अंतर्गत था, एसटीपी 104 करोड़ का हमने दिया ताकि नगर में जल जमाव ना लगे। लगभग 46 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, चाहे बेलसंड में, रून्नी सैदपुर में, सीतामढ़ी में, बाजपट्टी में, सुरसंड में, परिहार में, बदनाह में, जहां भी जरूरत था स्वास्थ्य उपकेंद्र, वहां हम लोगों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है वो दिलवाने का काम किया। आप रसलपुर गढ़ा पथ चले जाइए, वहां उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण हम लोग करवा रहे हैं 10 करोड़ का, वो मेरा किया हुआ है। पुपड़ी से मधुबन चौक होते हुए चले जाइए 8 किलोमीटर जो हो रहा है वो मेरा किया हुआ है। MMGYS से ग्रामीण कार्य विभाग मेरे अंतर्गत था, 21 करोड़ की लागत से 21 किलोमीटर जो है लगभग 24 पथ उसका हम लोग जो है स्वीकृति देकर के आए। वैसे ही नाबार्ड के योजना से 21 करोड़ का 16 पथ जो 20 किलोमीटर है उसका भी हम लोग स्वीकृति जो है हम लोग देने का काम किए हैं। तो काम तो हम लोग कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे साथ आलोक कुमार मेहता है, आलोक कुमार मेहता सुगर मिल इन्हीं के पास था, चीनी मिल, मंत्री थे उसके, ये गन्ना उद्योग मंत्री थे, ये आपको बताएंगे 51 करोड़ का जो सैंक्शन किया है चीनी मिल, रीगा चीनी मिल के गन्ना किसानों को 51 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है और 20 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना का मूल्य माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के निर्देश पर उसको बढ़ा दिया गया है पूरे बिहार में। इससे गन्ना किसानों को 2400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जेब में जाएगा। सोनमणि टोल
का जो 9 करोड़ का आरसीसी पुल बढ़ रहा है वो हम लोगों के सैंक्शन से हो रहा है। और यहाँ बिजली विभाग के मीटर रीडर वाले लोग हैं, वो लोग भी आए हुए हैं, आप लोगों का भी बिहार विधानसभा में आवाज उठाने का काम करेंगे। अरे एक शर्त है, पहले मेरे से वादा कीजिए, जितने लोग आए हैं, जो भी लालू जी को चाहते हैं, आरजेडी के समर्थन वाले हैं, एक एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज को, दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, सब लोग मिलकर के गले लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? एक एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज में दोस्ती कीजिए, दलित समाज को सम्मान दीजिए, आगे लेकर के चलिए, बहुजन लोगों की ताकत को एकत्रित कीजिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मान सम्मान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को दीजिएगा नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना। देखिए लालू जी का तबियत अभी इतना ठीक नहीं है कि पूरे बिहार में घूमे, लेकिन जब हम आपको पटना बुलाएंगे तो पटना आइएगा। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए पटना आइएगा, तो एक बार पटना में भी कर दिया जाए, बाहर बिहार के लोग को बुलाया जाए, पटना में हो जाएगा तो इनका पटन शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोग मजबूती के साथ जो है एक रहिए और आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लेकिन भाजपा वाला आएगा तो पूछिएगा 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, हमने जो कहा वो किया। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, इसलिए हम सब लोगों को एक रहना है। और सुनिए, कुछ लोग कहते हैं कि माई की पार्टी है, एम और वाई की पार्टी है, हम कहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बी से बहुजन, ए से आगरा, और ए एक और लगेगा ना, बाप में डबल ए लगता है, बी ए ए पी बाप। बी से बहुजन, ए से आगरा, और ए दूसरा ए से आधी आबादी महिला, अब पी से पुअर यानी गरीब, यानी ये बहुजन अगड़ो महिलाओं यानी ए टू जेड की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। उसने आप सब लोग एक रहिए और आने वाला चुनाव में हाथ मजबूत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। पटना आइए, आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी को भी आपसे बात करना है, आप लोग सब लोग आइएगा। उसलिए इसके बाद हम शिवहर भी जा रहे हैं, हट जा भैया, देखो दे दीजिए, दो छोड़िए, आप हाथ मत लगो, दो ना, दो ठीक, ए दे दो, छोड़िए हटिए आप, इधर दो,
चले जब लालू जी नहीं डरे सीबीआई डीए इनकम टैक्स से, जब लालू जी बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेके तो लालू जी का बेटा डराएगा। चलिए शुक्रिया। अरे हम लोग डरे वाला है, और बात सुनो जरा, सुन रहे हैं, जितना भ्रष्टाचारी या चोर लोग था वही हो गया बात कर लेने दो भाई, माला बाद में पहनते रहिएगा, सबको माला पहनना है बेटे। वो लोग जांच कराएगा, बताओ जो नौकरी दिया उसका जांच कराएगा, जो अस्पताल शिक्षा व्यवस्था सुधारा उसका जांच कराएगा, तो जो कराना है करा ले। सांच को आज किस बात का, हम लोग पवित्र हैं, कोई डरने वाले लोग नहीं है, चाहे कोई आए और जाए। अरे भाई नीतीश जी इसीलिए हम लोग एकजुट हुए थे कि भाजपा को रोकेंगे 2024 में, लेकिन वही अब धोखा दे दिए, पलट गए। तो अब चाचा जो झंडा लेकर के चले थे, अब भतीजा झंडा उठा करके बीजेपी को रोकने का काम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है, इसके बाद हमको शिवहर भी जाना है और उसके बाद मोतिहारी भी जाना है, तो बेफिक्र होकर के जाए ना। और सभी नेताओं को रुक जाइए भाई, बहुत सभी नेताओं को, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को, खास तौर पे कार्यकर्ताओं को हम बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इतने कम वक्त पर आप सब लोगों ने मेहनत करने का काम किया। सभी लोग, कई लोग मंच पे हैं, मंच टूट गया था, या हर बार यही होता है, तो सब लोग वहां भी लोग हैं, सब लोगों ने मेहनत किया है, वहां रितु जायसवाल जी भी है, सब लोग मेहनत करती है, यहाँ मुकेश जी, सुनील जी, अर्जुन राय जी, दोजाना जी, सभी लोग जो है, मंगीता जी, अपने हमारे जिला अध्यक्ष पुराने दिख रहे हैं वहाँ, उन शफीक साहब, पूर्वे जी, सब लोग जो है वहाँ उपस्थित है, सब लोगों को प्रणाम करते हैं, सब लोगों को आदाब करते हैं। जलाल जी हैं प्रधान महासचिव, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों को प्रणाम करते हैं। देखिए विश्वास दिलाइए, अगर आप लोग विश्वास दिलाए तो हम लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े। अरे लड़े ना, मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस कीजिएगा ना, अरे इंश्योरेंस करोगे ना तो लड़े। तो हम गाड़ी लेके बढ़ रहे हैं आगे, आप सब लोग सभी गरीबों को, दलितों को, अति पिछड़ों को सीने से लगाने का काम करना है, जोर करके चलना है। जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, तो एकदम जोड़िए। और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, अरे भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, सब लोग पीछे से एक साथ होकर के सब लोग आवाज देने का काम कीजिए, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी की जनता, सीतामढ़ी की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।